नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी ब्लॉग में। और आज है हम गरुड़ में, गरुड़ की सुबह। गरुड़ की सुबह आज चाय के ग्लास नहीं आएंगे, जी चलेंगे। बाय बाय माँ साहब। तो आप देखो आज तो वो जय जी जा रहे हैं स्कूल को, और उनके स्टूडेंट भी जा रहे हैं वहाँ सारे आगे। तो आज बादल है सारे, बहुत सारे बादल लगे हुए हैं। गरुड़ का मौसम दिखाओ यार कैसा है। हाँ आपको दिखाते हैं। पहाड़ी है। मेरी फ्रेंड फ्रेंड की गोदी में भूविका जोशी और हमारा ब्रिज, ये है इतने सारे बादल। तो चाबी रह गई कह रहे हैं, चाबी रह गई क्या मतलब, हद हो गई यार। साली से बाय तो कह जाते हैं इतने सीधे जी, आज भी क्या होने वाले हैं यार। सीधे नहीं होता, सीधे बारीक भी होते हैं। तो ये है हमारी यहाँ की सुबह है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ठंडा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ हूँ आज। और अभी देखते हैं क्या होता है। आज वहाँ भी हल्दी का प्रोग्राम है प्रगति के यहाँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इतनी पूरी मतलब मार्केट एरिया है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हरियाली है, देखो। हाँ। है ना। हाँ। ये सबसे पहले रेडी हो रही है भूविका, और मौसी उसको रेडी कर रही है भाई। ये सबसे पहले ये रेडी हो रही है, प्रिंसेस रेडी हो रही है भाई। अभी हमको डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। हाँ सही बात है यार। हेलो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ। तो दोस्तों ये तैयार है, इसको तो देखो, ये छुप रहा है, छुप रहा है अंदर। प्रियांशु छुप रहा है अंदर, नहीं है वो ब्रिज, ब्रिज छुप रहा है। तो दोस्तों अंदर जो है ना, अभी लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रहा है। तो भूवी बोली कि हमारा जो है मेरा जो ब्लॉग बनाओ, और मैं तैयार हो गई हूँ हल्दी के लिए, और मेरा ब्लॉग बना के मुझे दिखाओ। आ बेटा आ जाओ, ये हमारे बच्चे हैं, और हमारी फ्रेंड की का बेटा है, है ना। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, क्यूटी 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 क्यूटी। चलो भाई अंदर चलो, चलो बेटा चलो, चलो अंदर वो करो, चल चल आजा आजा, भूभी ठंडा हो रहा है यहाँ, आजा। मुझे तो ठंडा ही नहीं लगता। नहीं ठंडा लगेगा बेटा, मुझे नहीं लगता। आजा यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आ तो भूभा आजा ना, मम्मी डांटेगी। चल भी ट्रॉफी दूंगा, ट्रॉफी दूंगा, अंदर चल, ट्रॉफी दूंगा, आजा आजा, ट्रॉफी दूंगा। चलो भाई घुसो अंदर, अंदर घुसो, चलो बेटा अंदर चलो। भूविका ऐसा ब्लॉग बनाती है, लेकिन बहुत ही शैतान है, मम्मी पापा को बहुत परेशान करती है भूविका। ऐसा नहीं बोले, वो बोले कि भूविका अच्छी है और अच्छा ब्लॉग बनाती है। तो अच्छा बोलो मना फिर। अच्छा क्या बोलना है पहले बता दे। भूविका अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है। अच्छा बोलना है, चल ठीक। भूविका बहुत अच्छी नहीं है और बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं बनाती है। ये क्या गलती है, ये क्या गलती है। हेलो गाइस, तो यहाँ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, और मैंने तो जैकेट पहनी है। नहीं मैं बोलूंगा कि मेरे पास चॉकलेट है। अच्छा। हेलो गाइस, तो मेरे पास है चॉकलेट। हिला मत ना फिर कैमरे को, तो मत हिला बेटा। और ये जो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, वायरल, ठीक है। हाँ गरिमा की फ्रेंड को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया सी कॉफी बनाने के लिए। अपनी साली बोल रहे यार, साली बोलने में शर्म आ रही है। अच्छा मेरी साली हुई यार, सॉरी। अरे बाप रे, बहुत डेंजर मौसम हो गया यार, कैसे चलेंगे। बाय बाय बाय, चलो भाई। गरिमा अपने फ्रेंड्स को बाय करते हुए, ठंडोगी ना मुझे, चल बेटा बाय। दोस्तों बारिश हो गई है, ठंड भी बहुत हो रही है यार, कैसे जाएंगे। बना दो हमारी गुड़िया को। बाप रे बहुत ही डर लग रही है यार, चलो हमारी भी कर लो। बाय बाय, कर दे प्यारी, कर दे मौसी को प्यारी, कर दे मौसी को। तो बहुत है। बाबा बाल भीग रहे उनके। चलो चलो बाय बाय बेटा, किसी कर दी थी, एक बार करो और करो, और करो। चलो ब्रिज को भी करो, चलो ब्रिज बेटा, बाय बाय। पारी कर रही हो, पारी, ओ पारी कर रही है यार ब्रिज को। चलो चलो तनु, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों अब निकलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ही बाप रे, बर्फ नहीं कर सकते आप लोग, इतनी ठंड हो रही है, बर्फ भी गिर सकती है। दांत कुट 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 कर रहे हैं। हमारे घर में गिरी है वो, तो अभी लिपस्टिक निकाल के थी, मैं लगा के नहीं लाई। ओहो बहुत ही दुखी बात है ये तो। ये लग रही है चुपचाप लिपस्टिक। अरे
महिलाएं यार कुछ भी हो मतलब श्रृंगार नहीं छोड़ सकती भाई, चाहे ठंडी गर्मी कुछ भी हो, है ना, श्रृंगार नहीं छोड़ सकती। तो हम दोनों ठीक है करिए, हम तीनों ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स जा रहे ब्लॉगर्स ये दोस्ती पक्की रहेगी और हमारे और फ्रेंड्स भी देखेंगे ना और वो कहेंगे यार ये तो तन्नु से मिल लेती है। हाँ, और हम आगे भी मिलते हैं, रियल रियल प्रेम है, रियल प्रेम है। चलो तो चलो बाय 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 बाय, हमारा भी रियल प्रेम है, हम भी साथ में चलते हैं हमेशा। बाय बाय, लो 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 इसको पकड़ो, लो 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 लो, ये देखो ये देखो ये। तो पति परमेश्वर होता है भैया, देख लो मैं दिखा रहा हूँ, देखो तन्नो मगर पति परमेश्वर होता है भाई, देख लो देख लो भैया पति परमेश्वर कैसा होता है। तो दोस्तों ये वही है जो हम कल रात आए थे अंधेरे में, इस समय रास्ता पता चल रहा है, मतलब रात को पता भी नहीं चल रहा था, और पैदल है थोड़ा सा, 4-5 मिनट का पैदल है, कोई ज़्यादा पैदल नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, भूभी पैदल आ रही है। हाँ यार, गुड बेटा, हाँ गुड गुड गुड, भूभी बहुत सपोर्ट कर रही है हमें, बताए हम लोग बहुत डर रहे थे कि पूरी फैमिली के साथ बच्चों के साथ, वैसे हम भूभी को अपने साथ अकेले ला रहे हैं तो भूभी हमारे साथ कहीं बोर ना हो जाए और कहीं भूभी को दिक्कत ना हो जाए, मतलब हम लोग कैसे रह पाएंगे वहाँ पर, ये रह रही है पूरा मतलब एकदम खुशी खुशी रह रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है यार दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से हम लोग रह पा रहे हैं। और बारिश तेज़ हो गई है, तेज आने लग गई है अब धीरे धीरे, तो हमें गाड़ी तक पहुँचना होगा, ये डालना होगा, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे प्रगति लोगों के वहाँ जहाँ पर हल्दी हो रही है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम गाड़ी तक, जैसे शीतल वो है प्रगति शीतल खुश रहो, चलो बैठो बैठो बैठो, अच्छा फोटो नहीं आई अभी, देखो पूरा मुंह भी ढक दे पहने की, तो फिर मुंह तक ढक दे रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बाप रे कैसे हवा आ रही है उधर से, भयंकर हो रहा है यार, मजा आ रहा है। हाँ बहुत ज्यादा इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, आमा का आशीर्वाद, बाप बहुत गर्म है, गोगो पसीन छूट गई, पसीन पसीन छूट गया, पसीन मतलब मैंने इतनी ठंड में इतनी गर्मी पहली बार महसूस की है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, रियली में आप लोगों को मतलब थम्स अप है, टैलेंट देखना पड़ेगा, हाँ टैलेंट देखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इधर 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 नैनीताल है तो इधर चेन्नई है, इस तरह चेन्नई ले जाता है। ये हमारे उम्दा फोटो एंड वीडियो, स्माइल चोरी चोरी छुपे छुपे स्माइल दे रहे हैं अपना, देखो चलो गया, अब तो अच्छी आ गई होगी, अरे बहुत अच्छी, फिल्टर लगा के तो इतने अच्छी आई है, बताऊं तमाक भर लूं, तमाक तमाक भर लूं, गुड़ गुड़ भर, अगर तुम्हारी शादी होती तो तुम भी इस समय क्या ऐसे बैठे रहते, तुम्हारी भी तो 2 जनवरी को हुई थी यार, मेरी शादी में लेकिन बहुत गर्मी थी, ये तेरी परिक्रमा कर रही है, ये देखो चारों धाम, इसे चारों धाम की परिक्रमा, चारों धाम का लाभ प्राप्त हो गया इसे, ready।
प्रगति को नए जीवन की और वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और आपके जीवन में इतनी खुशियां मिले, इतनी खुशियां हो, मैं बस पागल हो जाऊं, मैं भी पागल हो जाऊं, ये पागल हो जाए, हम सुन के पागल हो जाए, ठीक है, तो हम सब लोग पागल हो जाए, इतनी खुशियां मिले, ठीक है, खूब खूब आशीर्वाद, ठीक है, बाय बाय, वाह, छुटकी को भी बाय बाय, वाह, तुमने बहुत अच्छे पोजेस, और तुमने बताया भी कैसे पोजेस, मतलब कहां से मिले, तो ठीक है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको, हाँ, वेरी टैलेंटेड, सुपर, बस जबरदस्त, स्पीचलेस। तो हम करते हैं अब गरुड़ को बाय बाय, बारिश हो गई है बहुत भयंकर, मौसम बहुत भयंकर हो गया है, बाय गरुड़, हाँ, सी यू अगेन, बाप रे, चलो इसको करो, ज्यादा ठंडे है दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडे है, तो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर को, देखते हैं रास्ते में बर्फ भी गिर सकती है, इतनी ठंड है ना, पिछली बार जब आए थे ना, एक साल पहले, यहाँ पे हाथ गर्म कर दिया, करो बेटा हाथ गर्म कर लो, वही तो बहुत ही बढ़िया, ग्लोबल में हाथ गर्म कर रहे हैं, ठंडे हाथ हो गए हैं, बेकार हो गई है, गर्मी हो रही है, वैसे ठंड लग रही है, हाथों को गर्म कर रही है, पर पी रही है फ्रूटी, और मौसम ऐसा हो रहा है, क्या करें यार आजकल के बच्चों का। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कौसानी, बारिश बहुत तेज हो रही है और अभी हो सकता है थोड़ी देर में बर्फ भी गिर जाए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर मार्केट में, और यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, यहाँ भी बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा, पूरे लगातार मूसलाधार बारिश, और रास्ते में कहीं बर्फ गिर जाए तो हमारा जो है ये कपल ट्रिप हो जाएगा एकदम। बारिश की बूंदें आ रही ना, बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों धीरे धीरे मौसम खराब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो गया है, हम लोग पहले कोसी के रास्ते आ रहे थे क्योंकि ये वाली रोड थोड़ा सा बीच बीच में खराब है, लेकिन है और इतने घने जंगल से है ना, कुछ प्रॉब्लम भी हो गई तो हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते। क्या बेटा, कोहरा बाबा है, बहुत कोहरा हो रहा है ना, कोहरा बाबा है। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे बिल्कुल घने जंगल में हैं, जो हमारा ऊपर वाला रास्ता है, मतलब हमारे गोलूचीना जाने वाला, उसमें हम लोग, और यहाँ पे इतना घना जंगल है ना, बहुत ज्यादा, और कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है कि मतलब गाड़ी कैसे चलाए हो रही है।
दोस्तों ये रोड नीचे को जा रही है, ये पतिदेव के बेस्ट फ्रेंड के घर को जा रही है ये वाली रोड, ये जो नीचे को जा रही है देख लेना भाई ऊपर को, ब्लॉग देखते हो रोज तो देख लेना। तो अगर नीरज भैया जगदीश भैया ये ब्लॉग देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमने जंगल क्रॉस कर लिया है, ये है जो मोड़ था इसके उस तरफ बहुत भयंकर जंगल है 8-10 किलोमीटर का, और क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं और यहाँ से जो है आबादी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है वो आबादी है, और वो सामने हमारा गांव है वो सामने, तो हम अभी इधर हैं और उस तरफ जो है हमारा गाँव है। और क्या सीन है देखो बारिश के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा बारिश अभी कम है और मौसम लेकिन पूरा बर्फ़ वाला बना हुआ है। और ये हमारे घर के सामने वाला गांव है जो हमारा वहाँ पर घर है, वहाँ से जो सामने दिखता है तो ये गांव वो वाला है। इस समय हम इस तरफ हैं और वहाँ से घूम के हम जाएंगे तो अपने वहाँ गांव में पहुँच जाएंगे। अभी इन गांवों में काफ़ी लोग रहते हैं पर हमारा जो गाँव है वो थोड़ा सा खाली हो चुका है। मज़ा आ गया यात्रा में कुल मिला के, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है मैं तो वेट कर रहा हूँ बस बर्फ़ गिर जाए यार, तो दिखाऊँगे आपको फिर बर्फ़। लो जी कुछ बोलना है, बहुत गंदा बोला तुमने ये दो। पहुंच चुके हैं अपने घर, अब गाड़ी लगा रहे हैं। ओड़ा, वहाँ बारिश की बूंदें भी लग गई है। दोस्तों पहुंच गए हैं। अरे भूमि को देखो, ये इतनी ज्यादा बारिश, मतलब ऐसा हो रहा ना मौसम, बहुत भयंकर हो रहा है यार, बर्फ गिरने वाली है। और काश बर्फ गिर जाए यार, घर पहुंच गया। पतझड़ देखो, ऐसे पत्ते गिर रहे हैं वहां से, वो देखो ओए होए मजा ही आ रहा है यार। और बर्फीली हवा चल रही है और हम आप देखेंगे अपनी खिड़की से नज़ारा, वो खिड़की से नज़ारा देखूंगा मैं तो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश और बर्फ गिरने वाली होती थी। जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो खिड़की से ही नज़ारा देखा करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आजा भूभी आजा, ये पत्ते गिरते हैं देखो, ये कितना कसम से, ये देखो ये बारिश हुआ है, सारा वही तो। हाँ तो दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड है और मोमबत्ती जला दी है गरिमा ने, और हम पीते हैं चाय। चाय बनाओ यार चाय, मुझे चाय पीनी है। और दोस्तों मुझे ना, मैं सुबह सुबह यहाँ पे लगाता हूँ ना ग्लास, आज मुझे दिन में लगाऊंगा क्योंकि हम लोग अभी आ रहे हैं वहां से। और कितना भयंकर हुआ देखो, ओ यार पूरा हिल लेते, चल जैकेट पहनेगा तब जाएगा। ठंड है ना, दिखा दो गाइस कोई स्वेटर को, जैकेट भी नहीं पहन, जैकेट पहन। माय गॉड बहुत खतरनाक, अब तो वही लग रही है। आहा ये खिड़की से आ रही है बहुत भयंकर, पर हमें ना उजाले के लिए खिड़की को खोलना पड़ेगा। चलो पहनो 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 जैकेट पहनो, वो भी जैकेट पहन। तो दोस्तों यहाँ पे चाय बन चुकी है, थोड़ा सा भूमिका को भी दे रही हूँ, ठंड जाता है। और पॉपकॉर्न बना दिए हैं, अब हम लोग ठंडे ठंडे में पॉपकॉर्न खाएंगे और चाय पियेंगे। ये मतलब एक तरीके से बहुत जोरदार बढ़िया मजा आ रहा है बेटा, तेरे नहीं है पापा के भी है, मेरे भी है, खिड़की के पास नहीं है इसमें। तो दोस्तों खिड़की के पास ही हमारा बेड है, यहाँ पे यहीं पे बैठते हैं हम, यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। तो इतना मजा आता है यार अपने पहाड़ में, क्या यार सही बात में स्वर्ग तो है यार यहाँ, है ना। और बाहर का नजारा देख रहे हैं, देखो बर्फ गिरने वाली है ये देखो। मम्मा ये क्या कर रही है? देखो ना तीन साइड्स बना रखी है तुम्हारी और मेरी, देखो अपने मेरे लिए कितने कम रखे हैं ये, और मेरे देखो अपने देखो। ये किसके हैं ये?
क्योंकि मैं बड़ा हूँ आप लोग। ये हमसे बड़ी है? अच्छा अच्छा, देख लो गाइस, ये हमसे बड़ी है भूवी। और हमारे लिए कितना, और सबसे ज्यादा तो तरस मुझे अपने पे आता है, मेरे लिए कितना कम रखा है। चलो यार, जो मिल रहा है खा लेते हैं, हटाओ। और साथ में है चाय। मेरे लेना। ये मैंने निकाल दिया, तिल वाले बिस्किट, ये हमने लिए थे रानी खेत से, बहुत अच्छे होते हैं ये, तो पहाड़ी बिस्किट हमारे, हेल्दी। तो दोस्तों 6 बज गए हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। वैसे तो आजकल लाइट जाती कम है अब बहुत, लेकिन आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों। और देखो आज कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी लाइट गई हुई है, और ये जो हमारे पास है एक रिचार्जेबल बल्ब है यहाँ पे, तो ये चलता है, जब लाइट नहीं जाती है तो इसको हम जला सकते हैं। अब पता नहीं इसका बैकअप कितना है, और बाकी अभी अंधेरा है बाहर, आप देख सकते हैं। पहले चारों ओर से लकड़ियाँ लगा लो। अरे लगा रही हूँ। तो दोस्तों बाहर तो यार बहुत तेज हवा चल रही है इस समय, बहुत भयंकर है हिसाब किताब। और हम जला रहे हैं यहाँ पे अंगीठी, ये आवाज़ें आ रही है बड़ी हवा की। भूमि तू यहाँ आ जा बेटा, यहाँ दरवाजे बंद कर देंगे, अंदर को धुआं चला जाता है, नहीं तो आ बेटा। ये वाला वो कर देते हैं बल्ब बंद थोड़ी देर। हाँ इसको बंद कर दो यार। आ जा यहाँ, आग सेकेंगे, आग सेकेंगे। उस वाले बल्ब को हमें जरूरत है, खाना वाना बनाएंगे तो वो वाला बल्ब हमें चाहिए, स्पेयर में है। चल आ जा फिर, आ जा, आ जा बैठ जाओ, आग सेकेंगे आओ। अरे रे रे, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। बैठो, आने से बैठो, बैठो तुम भी बैठो। तो दोस्तों बाहर का मौसम है बहुत भयंकर, और ये चलो इसको खा, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बर्फ तो गिर सकती है, बहुत चांसेस है, चांद भी चमक रही है बाहर। हाँ, और लाइट नहीं है दोस्तों, देखो ऊपर जो हमारा मेन स्विच है उधर कोई भी लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपका मतलब जीवन में शांति होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, और आदमी कैसे में भी रह जाता है, और अगर शांति नहीं है, प्यार नहीं है, तो आदमी महलों में भी खुश नहीं रहता। तो हम लोग इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंजॉय कर रहे हैं। बकायदा यहाँ पर भूवी भी आप देखो कितना एंजॉय कर रही है, और आपको पता ही हम कैसे माहौल से आए हुए हैं, सारी सुविधाएं, पूरा लग्जरियस घर है हमारे पास। वहां तो लाइट जाती है, फर्क नहीं पड़ता है ना, नहीं तो इन्वर्टर लगा रहता है वहां पे। इन्वर्टर चालू हो जाता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत मजा आ रहा है, अभी पूरा घर गर्म हो जाएगा हमारा, आराम से लकड़ियां एकदम पीछे को मारेंगी, ये देख लेना, कोई बात नहीं। हम एकदम पीछे को आती है ना, और दरी थोड़ा सा नीचे से वो कर लो, हाँ रैप कर लो। ओ, ये जला यार। इस समय मत जलाओ, ये सब इमरजेंसी लाइट है, काम आएगी। हाँ। रात को अगर वॉशरूम जाना होगा तो तुम्हें भी वॉशरूम जाना है तो हुआ, हम दोनों तो हुआ है भाई। नहीं नहीं चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये नहीं है कि मतलब डरने वाली बात नहीं है कि मैं हम ऐसा माहौल में आपको डर लगे, आप सोचो यार नहीं, देखो रिस्क हर जगह है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, ठंडा हो रहा है। बाकी आप जहाँ तक शहरों की बात है, शहरों में भी कितना रिस्क होता है, हम स्कूटी लेके निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, घरों में भी चोर घुस जाते हैं, और रोड पर रिस्क रहता है। तो रिस्क ऐसा है जीवन में हमेशा रहता है। कई लोग कहेंगे हम इसीलिए पहाड़ नहीं आते हैं, इसीलिए नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं है, होता है अपने अपने जगह की वो है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप कभी भी पहाड़ में हैं और पहाड़ में यात्रा करते हैं तो अंगीठी जलाते हैं रात को, तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क ना लें,
और हमारे अभी सारी खिड़कियां हमने खोल दी हैं उधर उस वाले कमरे में, और हमारी अंगीठी भी उस वाले कमरे में रखी हुई है, और रात को अंगीठी बिल्कुल बाहर कर दें, तो बिल्कुल भी मतलब अंदर रखना ही नहीं है। इससे अच्छा आप रजाई वजाई ओढ़ लो, एक दो कंबल डाल लो, लेकिन जल्दी जली हुई अंगीठी जो है बिल्कुल अंदर मत रखना। तो ये मैं एक बात सबसे शेयर कर रहा हूँ, जो लोग भी इस ब्लॉग में हैं देखें, पहाड़ों में आजकल क्या होता है घरों के अंदर रख देते हैं अंगीठी जली हुई, तो ऐसे ना रखें। तो दोस्तों हमारी इमरजेंसी लाइट जो है बंद हो गई है और अब जल चुका है कैंडल। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत बड़ा पोपट हो गया है, सब जगह लाइट है, हमारे यहाँ क्या है बाहर लाइट है मीटर में, अंदर नहीं आ रही लाइट। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ पर नहीं आ रही लाइट, अभी हम एक्सपर्ट को लेके जा रहे हैं, और एक्सपर्ट को लेके आ रहे हैं, तो फिर देखते हैं यार बड़ा। हाँ, सब लोग जा रहे हैं, मैं और भूविका घर में। तुम दरवाजा लगा लेना। हाँ ठीक, पैदल चल जाओ यार, वो उछल के ले जाते हो। नहीं नहीं, अपने अपना टॉर्च चला लेना। तो हम लोग पैदल चलते हैं, वो दूर बगल के गांव से ला रहे हैं। कहां से? तीन लोग हैं बगल के गांव से। अच्छा ठीक है ठीक है, बगल के गांव से उसको लेके आ रहे हैं। ओके चल भूवी, हम अंदर चलते हैं, चल बेटा। तो दोस्तों ये सीन चल रहा है, हमारी अभी इमरजेंसी लाइट तो थोड़ा सा चल रही है, अभी बंद हो गई थी, तो अभी ये लोग गए हैं पास के गाँव में, इलेक्ट्रिशियन है तो उसको बुलाने गए हैं, तो अब देखते हैं कि लाइट वो ठीक कर पाता है या नहीं कर पाता। सारे गांव में लाइट आ गई है हमारे घर के अलावा। तो दोस्तों ये लोग आ चुके हैं, बाहर आवाज आ रही है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चलो गाइस, खोल रहे खोल रहे। हम ले आए हैं एक्सपर्ट्स को, रात को आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स, रात को, इतनी रात को अरे यार सब लौंडे मौंडे जा करके, और वो भी अपने लौंडे को लेके आए हैं। मीटर से आउट, इसका नंबरिंग भी नहीं आ रहा ना, नहीं तो इसका नंबरिंग आना चाहिए था। हैं तो गाइस, तो हमारी लाइट गई हुई है और पापा लोग वो अंकल लोग को छोड़ने गए हैं, और हमारी लाइट ठीक हो गई है। नहीं हुई यार बेटा। अबे यार ये तो इमरजेंसी बल्ब चल रहा है हमारा। और घर पे कौन कौन है अभी? मैं और मम्मा। हाँ, हम दो लोग यहाँ पे अकेले हैं। तो दोस्तों बगल में गए, बगल वाले गांव में, और जो लाइट के एक्सपर्ट है उनको बुला के लाए, और फिर भी कुछ नहीं है वगैरह, फेस ही डाउन है पूरा नीचे से। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मर नहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो दोस्तों हम लोग ये काढ़ा पी रहे हैं, लाइट तो ठीक हुई नहीं, तो अब हम लोग आपसे गुड नाइट कहते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई उमंग नई तरंग के साथ, और एक नई लोकेशन में। बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों काफ़ी व्यस्त रहा, थकावट भरा रहा आज का दिन, और बहन की हल्दी भी हुई, और यहाँ पर लाइट की दिक्कत रही, फेस डाउन है, पता नहीं क्या है। हमने बहुत कोशिश भी की, बगल से किसी को बुलाया भी एक्सपर्ट को, तब भी लाइट नहीं आ पाई यहाँ पे, और बाकी सारे गांव में हमारे चारों तरफ लाइट है सिवाय हमारे गाँव के, और हमारे यहाँ पर नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, सब पहाड़ में होता रहता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार, बाय बाय।